चलिए आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड से खबर है, जहां केदार घाटी के गांव में बोर्ड से हड़कंप मच गया है, क्योंकि उन बोर्ड में लिखा हुआ है गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों का गांव में घुसना मना है, व्यापार करना मना है। उत्तराखंड के गांव में लगे बोर्ड से हड़कंप मचा है, गांव में गैर हिंदुओं के प्रवेश की मनाही है। केदार घाटी के गांव में बोर्ड लगा दिए गए हैं, लिखा है गैर हिंदू रोहिंग्या का गांव में घुसना मना है, व्यापार करना मना है। केदार घाटी के गांव में जो बोर्ड्स लगे हैं उसकी वजह से काफी बवाल मचा है। ये देखिए, ये जो बोर्ड है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, चेतावनी गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों व फेरी वालों का गांव में व्यापार करना घुसना वर्जित है, अगर गांव में कहीं भी मिलता है तो दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब केदार घाटी से जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो बोर्ड आए हैं वो हम आपको, ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर अब ये बोर्ड पूरा चल रहा है। जैसे ये है कि हमारे गांव में क्या होता है कि हम सीजनली अपने घरों को छोड़ के जितने भी पुरुष होते हैं वो नीचे मार्केट में आ जाते हैं, और गांव में सिर्फ महिलाएं रहती हैं। तो महिलाएं रहती हैं तो इस तरीके के बाहरी व्यक्ति जिनका सत्यापन नहीं है या जिनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, इस तरीके से लोग गाँव में जाते हैं और गाँव में गलत तरीके से महिलाओं को ठग के, और गाँव में हमारे मंदिर होते हैं, मंदिरों में हमारे कभी भी ताले नहीं लगे होते हैं, किसी भी मंदिर में जो हमारे अपने मंदिर होते हैं, जो हमारे कुल देवता के मंदिर होते हैं, उनमें ताले नहीं होते हैं, और पूर्व में भी हमारे मंदिर में चोरी हुई है, और ऐसे ऐसे चोरी के कारण इस तरीके से बोर्ड लोग अपने सचेत होने के लिए अपने एक जागरूकता के माध्यम से ये बोर्ड लग रहे हैं कि भाई लोग गांव में जागरूक रहें, और कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है यदि उसके पास परिचय पत्र नहीं है, उसके पास सत्यापन पत्र नहीं है, तो वो पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, 100 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, और संदिग्ध व्यक्ति देखते हुए 100 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। इस तरीके से भी लोगों के बीच जागरूकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।